नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम ग्रह दशाओं से संबंधित हनुमान जी के कुछ उपायों को जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी की आराधना करने से सभी ग्रहों की दशाओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सभी ग्रहों की दशाओं से जो लगने वाले दोष होते हैं या जो भी दुष्परिणाम होते हैं, उन सभी से मुक्ति कैसे मिल सकती है, उसके बारे में आज की वीडियो में जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की ग्रह दशाएं खराब चल रही होती है और जब कभी कोई पंडित जी उन्हें बताते हैं तो कई प्रकार की पूजाएं बताते हैं, कई प्रकार के दान बताते हैं, कई प्रकार के मंत्रों का जप अनुष्ठान आदि उनको बताते हैं, तो वहाँ पर सभी को एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है मंत्र जाप कैसे करना है, कौन सी चीज़ कैसे करनी है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ व्यक्ति अनजान होते हैं या कुछ अशिक्षित या बिना पढ़े हुए जो लोग हैं वो इन विधियों को नहीं कर सकते। गाँव में रहने वाले लोग तो आसानी से इन विधियों को कर ही नहीं सकते और जो गरीब व्यक्ति है वो भी कई बार जो है बड़े अनुष्ठानों को नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य करे या फिर वो अनुष्ठानों में अपना समय दे, अपना धन लगाए। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न हो जाता है कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। अब देखिए, अगर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपको परेशान कर रही है तो आपको अपने इष्ट के शरण में जाना चाहिए क्योंकि हमारे इष्ट जो हैं वो पूरे संसार से हमारी रक्षा करते हैं। अगर आप अपने इष्ट के शरण में जाते हैं, चाहे आपका इष्ट कोई भी हो, हनुमान जी हो, माता काली है, भैरव है, भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, किसी की भी शरण में आप जा सकते हो। किसी भी आप शरण में जाओगे वह आप पर पूर्ण कृपा करेंगे और आपको उनके ग्रह दशाओं से बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, ग्रह दशाएं हमारे कर्मों के हिसाब से भी होती रहती हैं, लेकिन अगर वह ग्रह दशा तो कोई भी देवी देवता नहीं बदलता, लेकिन उसमें जो दुष्परिणाम आपको मिलते हैं या दुष्प्रभाव आपके ऊपर होते हैं वो शांत कर दिए जाते हैं, तो उस ग्रह दशा की स्थिति में भी आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। अब आज की वीडियो में हनुमान जी से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिनके दे कोई और इष्ट हैं वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उनसे संबंधित भी जानकारी प्रदान करेंगे। भाई किसी को चाहिए कि हम कैसे भैरव की उपासना करके ग्रह दशाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो वो भी हम बताएंगे। जो भी आपके इष्ट देव हों जिनसे भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो वो बता सकते हो। देखिए, आज की वीडियो में हनुमान जी से संबंधित बातें करेंगे। हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं भगवान शिव के, दसों दिशाओं में इनकी कीर्ति विख्यात है। इसी के साथ ही बाबा हनुमान जी को माता सीता ने अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता होने का वरदान भी दिया है, जिसके चलते इस संसार में उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहा। साथ में हनुमान जी चिरंजीवी भी हैं, कलयुग में उपस्थित हैं और अपने भक्तों को समय समय पर दर्शन देते हैं और उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से सभी ग्रहों के दुष्प्रभावों को नष्ट किया जा सकता है, साथ ही नौ ग्रह की शांति भी इससे बहुत ही आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के ग्रह में परिवर्तन हो या ग्रहों का कोई प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ रहा हो, वहाँ पर भी हनुमान जी का प्रयोग बहुत ही ज्यादा असर दिखाता है। मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसी कारण से मंगल ग्रह के कारक देव हनुमान जी हैं और मंगल जो है वो सभी ग्रहों में सभी देवताओं के सेनापति भी हैं। इसी कारण से अगर हनुमान जी की कोई भी पूजा आराधना करता है या मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी की मंगलवार के दिन पूजा करता है, तो उससे कभी भी मंगल उस व्यक्ति को दुख नहीं देते, उसके ऊपर अपनी कृपा ही बरसाते हैं और अगर उसकी ग्रह दशा खराब चल रही है तो भी उसको ज़्यादा कष्ट नहीं देते, उसको सही मार्ग ही दिखाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर मंगल की ग्रह दशा खराब चल रही हो तो उसे मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको प्रसाद आदि अर्पित करना चाहिए। अब शनिवार की बात करें, शनिदेव की बात करें, तो देखिए शनिदेव जो है भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनको न्याय का देवता माना जाता है और भगवान शिव इनके गुरु भी हैं। तो अब दूसरी बात करें तो यह है कि भाई हनुमान जी की शरण में जो भी व्यक्ति जाता है, शनिदेव कभी भी उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि इस बात का वचन शनिदेव ने हनुमान जी को दिया था कि अगर कोई भी आपका भक्त अगर मेरी सारी साथी की दशा में आता है या मेरी ग्रह दशा उसके ऊपर खराब चल रही है तो मैं कभी भी उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कभी भी उसको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, उसे मैं भी आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तो अगर आपके शनि के दुष्परिणाम आपको मिल रहे हैं तो उसमें भी आप शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा कीजिए, साथ में शनिदेव की पूजा कर सकते हो, तो उससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और साथ ही आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और जो भी बुरे प्रभाव आपके ऊपर लग रहे थे उन सभी को वो हटा देंगे। सोमवार के दिन की बात करें तो सोमवार के दिन भगवान शिव का है, भगवान शिव इसके कारक देव हैं और हनुमान जी उन्हीं के अवतार हैं, इसी कारण से जो भी हनुमान जी की पूजा आराधना करता है उसको सोमवार के दिन भी बहुत ही विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। बात करें बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो देखिए बृहस्पतिवार जो है उसके कारक देव श्री हरि विष्णु हैं और इन्हीं के अवतार श्री राम के अनन्य भक्त हैं हमारे हनुमान जी। तो अगर कोई भी हनुमान जी की पूजा आराधना करता है तो भगवान शिव उसके ऊपर जरूर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं और अगर कभी कभी हनुमान जी भी भाई आपके कष्टों को दूर करने में सक्षम नहीं होते तो वहाँ पर हनुमान जी आप ही के लिए विशेष अर्जी भगवान श्री राम के चरणों में लगाते हैं, तो श्री राम जरूर आपके ऊपर कृपा करके
आपके कष्टों को दूर करते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि भगवान श्री राम भी जो हैं वो शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं अगले शुक्रवार की, शुक्र ग्रह की। देखिए शुक्र ग्रह और शुक्रवार की कारक देवी माता लक्ष्मी है, वे भी रामायण काल में माता सीता के रूप में आई थी और भगवान हनुमान जी को उन्होंने अपने पुत्र के समान माना है, उनको साथ में कई वरदान भी प्रदान किए। तो अगर कोई भी भक्त हनुमान जी की पूजा आराधना करता है तो उसे माता सीता अपने पुत्र समान ही लाड दुलार करती हैं और उसे आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो शुक्र ग्रह की पीड़ा से भी आपको राहत मिल जाती है, और अगर आपको शुक्र ग्रह की दशा ज्यादा परेशान कर रही है तो आप शुक्रवार के दिन भी हनुमान जी का श्रृंगार आदि करके, उनको प्रसाद आदि समर्पित करके उनकी पूजा कर सकते हैं, तो उससे माता जरूर प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा, तो इससे आपको शुक्र ग्रह से भी राहत मिल जाती है। अब कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि राहु केतु ग्रह से किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है, तो वो देखिए इस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है कि राहु और केतु दोनों क्रोध छाया ग्रह हैं। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने सूर्य देव को निगल लिया था उस टाइम पर राहु और केतु जो ग्रहण लगाने के लिए आए थे तब वह भी हनुमान जी से डर कर कहीं दूर जाकर छिप गए थे, और उसी कारण से हनुमान जी का डर आज भी उनमें इतना है कि वह हनुमान जी से कभी भी युद्ध करने के, उनसे पंगा लेने की नहीं सोचते। वह हनुमान जी के भक्तों से हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि अगर हनुमान जी गुस्से हो गए तो फिर उनकी बहुत ही बुरी तरीके से मार मार कर पिटाई करेंगे। इसी वजह से अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और राहु केतु ग्रहों की दशा आपकी कुंडली में खराब चल रही है तो आप हनुमान जी के चरणों में जाइए। देखिए बिना कहे कुछ नहीं मिलेगा, आप प्रभु के सामने जाइए, हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए कि प्रभु मेरे राहु केतु की ग्रह दशा चल रही है, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इन ग्रहों को दशाओं को शांत कीजिए, तो वहां हनुमान जी आप पर जरूर कृपा करेंगे। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे शक्तिशाली जागृत और साक्षात देवता हैं। इस युग में हनुमान जी की भक्ति करने मात्र से ही दुख और संकटों से रक्षा हो जाती है। हनुमान जी की कृपा के लिए शुभ भावना होना बेहद जरूरी है। आप देखिए कुछ लोग होते हैं जो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, चांदी का छत्र चढ़ा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए वहां पर लुटा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मन में भावना ही नहीं है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि हनुमान जी को 11 रुपए का प्रचार सुना देते हैं, या फिर कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रसाद नहीं भी चढ़ा पाते लेकिन हनुमान जी के चरणों में जाकर अर्जी लगाकर आ जाते हैं, उनको ही सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनको लाभ मिल जाता है। कारण? क्योंकि उनके अंदर वो भावना है। आप करोड़ क्या अरबों खरबों रुपए अगर खर्च करोगे भगवान के पास जाकर तो उससे आपको कभी लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप एक गुड़ की डली भी भगवान को प्रेम से समर्पित कर दोगे तो भगवान उससे ही प्रसन्न होकर आपको लाभ प्रदान करने लग जाएंगे। बस आपके मन में जो भावना है वो बिल्कुल निस्वार्थ होनी चाहिए, प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दीजिए, प्रभु खुद आपकी नैया को पाल लगाएंगे और आपका हर समय साथ देंगे। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर ऐसे पूजा करोगे तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो देखिए डोग आडम्बर तो दुनिया ही करती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि आप सही भावना से पूजा नहीं कर रहे। अब कुछ लोग होते हैं जो कि पूजा बहुत समय से कर रहे हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा, वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा भक्त इतना परेशान हो रहा है लेकिन एक बार तो कम से कम मुझे याद करे, एक बार मुझे याद करके देखे मैं तुरंत उसके सामने जाकर उसकी सभी परेशानियों को दूर कर दूंगा। तो बस वही चीज़ है, भाव देखिए मन में होना जरूरी है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो जिससे भी आप प्रेम करते हो आप जानते हो कि अगला व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, लेकिन फिर भी मन में एक भावना होती है कि अगला व्यक्ति मुझसे आकर कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, वही चीज़ हमारे इष्ट के प्रति होती है। जब हमारे इष्ट से इतना प्रेम करते हैं तो इष्ट के मन में भी होता है कि मेरा भक्त इतना परेशान हो रहा है लेकिन मुझे पुकार क्यों नहीं रहा, कम से कम एक बार मुझे पुकारे तो सही, मैं हजारों कामों को छोड़कर भी तुरंत उसके पास जाऊंगा, पूरे संसार को उसके चरणों में लाकर रख दूंगा लेकिन कम से कम एक बार उस प्रेम से तो मुझे पुकारे। तो बस वही भावना मन में रखकर आप भगवान को पुकारिए, भगवान आपकी हर प्रकार की ग्रह दशाओं को शांत कर देंगे, हर प्रकार के दुख दर्द तुरंत आपसे हर लेंगे। अब एक बात जो सभी भक्तों के लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए ये जरूरी नहीं कि भाई जो व्यक्ति माता काली को पूज रहे थे आज तक वो हनुमान जी को पूजे हमारी वीडियो को देख के, अगर आप माता काली को पूज रहे हो तो यही भावना माता के प्रति लाइए, भैरव को पूज रहे हो तो यही भावना भैरव के प्रति लाइए, आप किसी भी देव देवता को पूज रहे हो बस अपने मन में पूर्णतया एक निश्चल भावना होनी चाहिए और 100% उन देव देवताओं को समर्पित हो जाइए, फिर देखिए वो आपका कार्य क्यों नहीं करते, वो आपके पास क्यों नहीं आएंगे, वो खुद आपके पास आएंगे, आपको दर्शन भी देंगे, लेकिन बात वही है कि सब कुछ समर्पित कर दीजिए उनके चरणों में, बस यही कह दीजिए अगर अच्छा करना है तो वह आपकी मर्जी है और गलत करना है तो वो भी आपकी मर्जी है, मैं तो सब कुछ आपके ही प्रसाद समझकर उसे स्वीकार कर लूँगा। ऐसा आप करोगे तो आपके जो इष्ट हैं वो हमेशा आपकी सहायता करेंगे और एक बार आवाज़ देने पर ही आपके पास में आ जाएंगी। अब देखिए
हनुमान जी की आराधना कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमें ग्रह दशाओं से मुक्ति मिल सके, उसकी मैं आज आपको इसमें जानकारी दे रहा हूँ। उसका आप ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी की आराधना करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो साफ सफाई का हनुमान जी की आराधना में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र रहते हैं, तो पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। उनका आसन वगैरह सभी पवित्र होना चाहिए, जिस भी स्थान पर लगा रहे वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति आ जा रहा है गंदे हाथों से गंदे पैरों से वहाँ पर आता जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र स्थान होना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उनको आसन लगाकर उसके ऊपर जो भी उनका चित्र है या फिर यंत्र है वो स्थापित करना चाहिए। आप अगर दीपक जलाते हो तो रोजाना बाती बदलिए। बहुत सारे लोगों का एक मन में भावना होती है कि हम रोजाना इतनी सारी बातियों का करें क्या। देखिए, इन बातियों को आप ऐसी जगह पर मिट्टी में डाल दीजिए जहाँ पर किसी के पैर ना लगे बस, तो ये ऑटोमेटिक ही खाद बनकर मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप इनको बाहर कूड़े में फेंक दोगे तो वो पैरों में आएंगी, फिर उससे आपको दोष लगेगा। तो ऐसे स्थान पर डाल सकते हो जहाँ पर ये किसी के पैरों में न लगे, किसी भी पेड़ आदि के नीचे, तो ऑटोमेटिक ये वहाँ पर खाद आदि बन जाएगा, तो वो प्रकृति में वापस मिल जाएगी। हनुमान जी की पूजा में आप धूप दीप फल फूल मिष्ठान आदि छंडा सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी को जो है सफ़ेद मिठाई नहीं छंडानी। आप जैसे बर्फी छंडा रहे हो या कुछ और छंडा रहे हो तो वो आपको नहीं छंडानी हनुमान जी को। आप केले छंडा सकते हो, गुड़ चने का भोग लगा सकते हो, और कोई भी मिठाई जो आपके मन में हो, बूंदी का लट्टू हनुमान जी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं वो आप छंडा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें छंडाइए। और हनुमान जी की पूजा कर रहे हो किसी भी विशेष दिन मंगलवार शनिवार को, तो नागरपान हनुमान जी का आता है या हनुमान जी का मीठा पान आता है, वो जरूर हनुमान जी को छंडाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये सभी चीज़ें आपने रख ली। हनुमान जी की पूजा वैसे ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए या फिर शाम को गोधूलि की बेला में, जब शाम को सूरज अस्त हो जाता है और थोड़ा थोड़ा आसमान पीला होता है, उस समय आप कर सकते हो। उस टाइम पर ही हनुमान जी की सबसे अच्छी रहती है पूजा उपासना। अब देखिए, पूजा उपासना कैसे करनी है। मंदिर में जाकर कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात है, आसन लगाकर बैठ जाइए भगवान के सामने। सबसे पहले ओम गंग गणपतये नमः, इसका 11 बार उच्चारण कीजिए। उसके बाद में जय श्री राम का 11 बार उच्चारण कीजिए। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ एक बार भी कर सकते हो, आप छोटे बच्चे हो या फिर आप नए नए कर रहे हो तो एक बार भी कर सकते हो। अगर आप पहले से कर रहे हो तो आप हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ कीजिए या फिर 11 बार पाठ कीजिए। 7, 11 या 21, इस प्रकार से आपको पाठ करना है, और संख्या कम ज्यादा नहीं कर सकते, जो संख्या है उसी प्रकार से आपको करना है। पाठ करने के बाद में जब हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए, भगवान को प्रणाम करके और सारा जो पाठ है उनके चरणों में समर्पित करके वापिस से 11 बार जय श्री राम का पाठ कीजिए। और फिर वहीं पर बैठकर 5 से 10 मिनट हनुमान जी का ध्यान कीजिए। आंखें बंद करके, आंखें खोल के, जैसे भी आप करना चाहो, बस ध्यान में आप जैसे राम बोल सकते हो या फिर हनुमान जी की मूर्ति अच्छी तरह उसको निहारते रहिए, या आंखें बंद करके उनका ध्यान कीजिए आज्ञा चक्र पर। ऐसे करके आप अपने स्थान से उठ सकते हो। इस प्रकार से आप पूजन कीजिए, आपको लाभ बहुत ही जल्दी मिलने लग जाएगा। 5 से 6 दिन में ही आपको अनुभव होंगे और आप खुद कहोगे कि हमें भी जो है काफी लाभ मिला है इस पूजा से। तो ऐसा आप कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और आप भगवान श्री राम के भजन आदि भी सुन सकते हो, वो भी अच्छा रहता है अगर हनुमान जी के भक्त हो तो। इस प्रकार से आप कीजिए। सारी जानकारी प्रदान की, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई इसलिए क्षमा चाहते हैं। बस चाहते थे कि आपको जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाए। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, कोई भी संशय हो, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर उत्तर प्रदान करेंगे। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए चैनल से, और हमारी जानकारी आपको कैसे लगी जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।